आपको शिक्षा इसलिए परमात्मा ने दिलाई है कि आप परमात्मा पहचान लो। न इस रोजी रोटी के लिए इस शिक्षा की कति जरूरत नहीं थी। पहले हमारे पूर्वज थे, अपना सिंपल वे से कच्ची झोपड़ी डालकर मकानों में गुजारा करते थे। 20-20 10-10 पीढ़ी ऐसे पार होगी, निकल गई यहां से कब टाइम पास करके। और जब से ये शिक्षा मिली है हमें, इस भौतिक सुख तो गणा दिखा पर दुख टेंशन बिना गिनती की होगी। अब इसको देना अनिवार्य था नहीं, पहले परमात्मा ने ये विष आपके ऊपर नहीं आने दिया। अब इसलिए ये शिक्षा आपको, इसको बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अच्छा ये इस दृष्टिकोण से तो अच्छा है कि हम भगवान पहचान लेंगे अब बस, और बाकी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए हैं, और कोई आईएएस आईपीएस बन गए, ये तो पेट का रोला सारा। इसके लिए इसकी जरूरत हमने नहीं थी, अपना दो रोटी चाहिए थी आराम से, और सिंपल वे से रहता वो जीव सुखी है। इन कोई भी सुखी नहीं प्राणी, चाहे कितना या बड़ा अफसर हो, अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, वो सुख नाम की चीज नहीं उनके पास, क्योंकि हमें पता नहीं। परमात्मा ने हमें बताया कि 21 ब्रह्मांड में सुख नाम की चीज नहीं है, कहीं भूल लाग रही हो तुम्हारे। लेकिन ये शिक्षा जो मिली है, इसका उद्देश्य ये है कि हम भगवान पहचान लेंगे, अपना पीछा छुटवा लेंगे और वहां चले जाओगे जहां जरा और मरण नहीं होता, वहां वृद्धावस्था नहीं होती, वहां पर मृत्यु नहीं होती। तो फिर हम वही ना रहेंगे, यहां क्या करेंगे? यहां जब तक कितना सुखी है आपके पास, बच्चे भी हैं, संतान अच्छी है आपकी, और खूब यहां संसारिक भौतिक सुख भी है। कल मृत्यु हो जा, भक्ति बिना अगले दिन गधा बन गया, बता चाट ले उस ठाठ ने जो छोड़ के चला गया, क्या काम आया आपके?